सब्सक्राइब कीजिए टिप टॉप न्यूज हिंदी चैनल को और बाद में बेल आइकन दबाए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज जिस भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं वो निकली है पुलिस विभाग में। ग्रुप डी के लिए बम्पर भर्तियां निकली है, 10वीं पास इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आवेदन शुल्क आपको जमा नहीं करना है। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डेट्स है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस डेट से किस डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ग्रुप डी की इसमें भर्ती निकली है, 24/9/2018 तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज की जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों दफ्तरी पोस्ट के लिए 7th पे के अंतर्गत 5200 से 20200 रुपये सैलरी दी जाएगी। लेवल एक के अंतर्गत ग्रेड पे 1800 रुपये होगा। सभी पोस्ट के लिए 5200 से 20200 और ग्रेड पे 1800 रुपये निर्धारित किया गया है। दफ्तरी पोस्ट के लिए सामान्य के लिए 4 वैकेंसीज है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BC1 BC2 के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है। तो टोटल इसके लिए 4 वैकेंसीज है। उसके बाद रसोईया पोस्ट के लिए 77 सामान्य के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 14 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 49 है, BC1 के लिए 9, BC2 के लिए 13, टोटल 162 वैकेंसीज है। जलवाहक पोस्ट के लिए 56 सामान्य के लिए है, 13 अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 है, BC1 के लिए 10 है, BC2 के लिए 4 है, तो टोटल 125 वैकेंसीज है। झाड़ूकस के लिए 51 सामान्य के लिए है, 10 अनुसूचित जाति के लिए है, 27 अनुसूचित जनजाति के लिए है, 9 BC1 BC2 के लिए 6 है, तो टोटल 103 वैकेंसीज है। नाई के लिए भी देख सकते हैं टोटल 69 वैकेंसीज है और धोबी के लिए 67। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहीं से चेक कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहीं से भी इस पेज पर विजिट करके स्टेप वाइज पूरी जानकारी रीड कर सकते हैं। उम्र भी आप देख सकते हैं 1/8/2018 के अंतर्गत सामान्य जाति के लिए 18 से 25 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 27 वर्ष है, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए 18 से 28 वर्ष है और महिलाओं के लिए 18 से 30 वर्ष की है। क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके बराबर पास होना अनिवार्य है। शारीरिक माप भी आप यहां से देख सकते हैं, सामान्य जाति के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, सीना 81 सेंटीमीटर है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 81 सेंटीमीटर सीना है, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 79 सेंटीमीटर सीना है, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर ऊंचाई है, सीना इनके लिए अवेलेबल नहीं है। दोस्तों आवेदन पत्र को भरने के बाद 1/9/2018 से 24/9/2018 तक एड्रेस यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको सुबह 10 से 5 बजे तक भेजा जा सकता है। दिनांक 24/9 इसकी अंतिम तिथि है अप्लाई करने की। 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ सादा लिफाफा साथ में भेजे। दोस्तों इसमें 33% पद महिलाओं के लिए रिक्त है। दोस्तों शारीरिक और व्यवहारिक जांच के लिए आप यहां से पूरी जानकारी रीड कर सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं दौड़ परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को लिखने पढ़ने के ज्ञान से संबंधित 10वीं स्तर की लिखित परीक्षा ली जाएगी जो 50 अंकों की होगी, जिसमें से 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शारीरिक जांच एवं लिखित परीक्षा जांच परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का ही व्यवहारिक परीक्षा लिया जाएगा। विभिन्न कोटि के पद के लिए पद संबंधित व्यवहारिक परीक्षा होगी। परीक्षा कुल 100 अंकों का होगा जिसमें 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसी तरह आप ये पूरे इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड पुलिस ग्रुप डी जॉब्स का ये एप्लीकेशन फॉर्मेट हमने यहाँ पर अपडेटेड कर दिया है। इसको आपको यहाँ से क्रॉप करना है या इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको फोटो पेस्ट करना है, आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, यहाँ पर मेल या फीमेल, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता, पूरी जानकारी आपको इसमें फिल करनी है। और जो एड्रेस मैंने आपको बताया है उस एड्रेस पर आपको ये सेंड करना है। दोस्तों इस पेज पर पहुँचने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्मेट की टैब पर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्मेट की PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ से भी आप एप्लीकेशन फॉर्मेट क्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।